Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि तंदुरुस्त रहने के लिए यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने सुबह के नाश्ते में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. सब लोग चाहते हैं फिट रहना, चाहे आप मोटे रहना होना चाहते हैं या पतले होना चाहते हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोग पतले लोग सब खा सकते हैं और मोटे लोग कुछ नहीं खा सकते. अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए तो कुछ चीज़ें नाश्ते में नहीं खानी, और कौन सी चीज़ें नहीं खानी और कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, आज उसी बात के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं दलिये की. दलिये में एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको सुबह के नाश्ते में ऐसी चीज़ ही खानी है जो आपको फुल एनर्जी भी दे, फाइबर भी दे, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, सारी चीज़ें आपको मिल सकें. ऐसी चीज़ें ही आपको ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए. ये नहीं कि आपको भूखे रहना है ब्रेकफास्ट में, नहीं. आपको इतनी एनर्जी लेनी है जितनी आप डिनर या लंच में भी नहीं लें, इतनी एनर्जी लेनी है. तो अपने सबसे पहले बात करते हैं दलिये की. आप चाहें तो उसमें दूध में बॉयल करके जैसे दलिया बनता है वो बनाएं, या फिर आप नमकीन दलिया बनाएं वेजेस डालकर. ये रिच फाइबर और मिनरल्स विद एनर्जी का सोर्स है. आपको ये अपने वीक में ज़रूर शामिल करना चाहिए. आप एक मेन्यू तैयार कर लीजिए कि आपको किस दिन क्या खाना है. आप दलिया भी अपनी डाइट में यानी ब्रेकफास्ट में दलिया भी ले सकते हैं. इसके अलावा बात करते हैं स्प्राउट की. तो स्प्राउट चाहे वो चने के स्प्राउट हो चाहे मूंगी के, आपको एक दिन चने के एक दिन मूंगी के जरूर खाने चाहिए. यानी हफ्ते में दो बार स्प्राउट जरूर खाने चाहिए. इसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन, फाइबर रिच होता है. एक चीज और बता दूं कि इसको कभी भी बॉयल करके नहीं खाएं, सिर्फ और सिर्फ गरम नमक वाले पानी में वॉश करके ही खाना है ताकि इसके बैक्टीरिया खत्म हो सके, सिर्फ इतनी काम के लिए. और इसे अगर आप चाहते हैं कि इसके सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर आपको मिल सके तो इसे बॉयल करके नहीं बल्कि इसे कच्चे ही खाने हैं. और नेक्स्ट नाश्ते की अगर बात करें तो वो है पोहा. आप घर पे जो तैयार होता है वो पोहा भी खा सकते हैं और उपमा भी खा सकते हैं, और इसे आप सब्जियों डाल के खाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये भी हमें फाइबर और मिनरल्स देता है. ये आप बड़े आराम से खा सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें आता है ओट्स. आप ओट्स को भी नमकीन भी बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं. एक चीज़ का ध्यान रखें, मीठे बनाते टाइम चाहे आप दलिया बना रहे हैं चाहे ओट्स बना रहे हैं, आप इसमें चीनी ना मिलाकर मिश्री ऐड करें ताकि शुगर लेवल नहीं बढ़े. और ये चीज़ ओट्स जो होता है, ओट्स मील, उसके अंदर बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए आप इसे ज़रूर खाएं. जो भी हार्ट पेशेंट हैं उन्हें रेगुलरली ही ओट्स ही खाने चाहिए. और इसके अलावा जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको अगर वो बॉयल्ड एग खाते हैं तो बहुत बढ़िया है क्योंकि एग खाने से रिच प्रोटीन मिलता है. अगर आप बॉयल्ड एग खा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, दो एग खाने से ही एनर्जी विद प्रोटीन मिल जाता है. ये पांच ऐसे नाश्तों की बात करी गई है, ऐसे ब्रेकफास्ट की बात करी गई है जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपको लाइफ टाइम हेल्थी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. आप एक मेन्यू तैयार करें कि आपने कौन से दिन क्या खाना है, बड़े आराम से पाँच दिन आपके आसानी से चले जाएंगे. इसके अलावा आप बात करते हैं कौन सी चीज़ें नहीं खानी. तो आपने टोस्ट नहीं खाना, जैम लगी हुई कोई चीज़ सुबह नहीं खानी, खट्टे फ्रूट्स का जूस नहीं लेना क्योंकि ये आपके अंदर एसिड पैदा कर सकता है. इसके अलावा आपने बर्गर, पैनकेक, पेस्ट्री, ये चीज़ें नहीं खानी. कोई भी बहुत ज़्यादा मीठे वाली चीज़ नहीं खानी है. ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना, चाहे कोई इंसान मोटा होना चाहता है या पतला, ये चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करें. मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएं. और आपको जो पांच नाश्ते बताए गए हैं ये बहुत बढ़िया हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपको तंदुरुस्त रखने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन पर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें.
मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेम टाइम यानी कि सुबह के 9 बजे. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके बाय.